इस तेज बारिश में मुझे पता ही नहीं चला कि कोई टाइम हो गया है। पहले हमें लगता था कि ये जो $50 हैं ये 50 रुपये ही हैं, लेकिन अब पता चलता है कि ये जो $50 हैं ना ये 15,000-16,000 बनते हैं। वहाँ हम अपना जो गैस डालने वाले बेचारे पेट्रोल पंप पे लोग हैं, हम उनको कितने हकारत से देखते हैं, कितना उनको हम छोटा समझते हैं। अमीर हो गरीब हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सोचते हो भाई काम नहीं करना पड़ता, काम करना पड़ता है, अपने घर का करना पड़ता है। तो अभी एक इंडियन फैमिली थी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट की, कह रहा हम आपकी शिकागो से वीडियोस देखते हैं। आप पूछा कि भाई मुझे अमेरिका में रहने के लिए कोई 10 पॉइंट्स बताओ अच्छी और ख़राब ना। आप वीडियो बहुत देखते रहते हैं भाई, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश। बस आप दुआ में याद रखें, सपोर्ट करें। थैंक यू। दोस्तों इस तेज़ बारिश में मुझे पता ही नहीं चला कि कोई टाइम हो गया है और मैं अभी लेट हो गया हूँ। छोटी को स्कूल से लेना है और गाड़ी में जाना है। बहुत तेज़ बारिश है, इस तेज़ बारिश में हमें जाना है और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कतारें होंगी। ओके 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 ओके, मुझे सिर्फ गाड़ी तक पहुँचने दें, फिर बात करते हैं। आज बड़ी मुश्किल से भाई बच्चे को पिक किया है, सारे लोगों को इन्होंने आज रुलाया था, वो इस वजह से कि बारिश के टाइम पे सबने लिखवाया हुआ है कि जब तेज़ बारिश होगी तो हम बच्चों को कैसे पिक करेंगे। तो हमने लिखा हुआ है कि हम कार राइडर बनेंगे, कोई कह रहे हैं कि हम खुद आएंगे, लेकिन फिर उन बच्चों को बिठाया जाता है और सबकी आईडी चेक करके उनके वालदेन के हवाले करते हैं। आज इन्होंने बगैर ईमेल किए हुए तेज़ बारिश में बच्चों को छोड़ दिया। अब बच्चों को छोड़ा, हम कन्फ्यूज़ हो गए, हम तो 3 पड़ोसी और भी थे उनको भी साथ लेके गए। अब मुझे फिर फौरन इनको ड्रॉप करना पड़ा फैमिली को कि आप क्रॉस करके जाएं, छोटी को ले लें, रिसीव करें और फिर जो है ना मैं घूम के आता हूँ। अब जब घूम के आया तो फोन गाड़ी में रह गया और इसके बाद क्या हुआ कि मैं परेशान हो गया कि मैं कॉन्टेक्ट कैसे करूं। बहरहाल मैंने बीच सड़क से आके अपनी छोटी को पिक किया, बेचारे वो दूसरों को पिक नहीं कर पाया, बहुत तेज बारिश थी। तो ये क्या होता है कि इनको बताना होता है कि भाई तेज बारिश में हम खुद आएंगे और अपने बच्चों को पिक करेंगे। अब इस वजह से इन्होंने ईमेल नहीं की और हम रुल गए। रुलने की वजह यह थी कि यार बीच सड़क से किसी को उठाना और जिन पड़ोसियों को हम लेके गए उनको बेचारों को हम पिक नहीं कर सके, क्योंकि सड़क से आप पिक नहीं कर सकते किसी को। लेकिन इस तरह की सूरत हाल हो गई बारिश में और अब आए घर पे और घर के अब आप दिखाता हूँ बाहर क्या हालत है और इसके साथ फिर जाना है पानी भरने, पानी भी भर के आएंगे। और अब तक वार्निंग वही है कि एहतियात करें। अब एहतियात करेंगे, देखेंगे कि इस हमारा, क्योंकि वक्त के साथ ना एक्सपीरियंस होता रहता है, हम भी सीख रहे हैं यहाँ कि यहाँ के माहौल कैसा है, यहाँ जब ये सीवियर किस्म की वार्निंग देते हैं तो उसकी लेवल क्या है। जैसे हम तो बिल्कुल आखिरी डूबते हैं तब जाके गवर्नमेंट कश्ती में आके निकालती है और फिर उसके बाद बोलती है अब खुद चले जाओ घर, तो फिर लोग घर पे भी नहीं जा पाते। तो आज का ये बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, अब जा रहे हैं घर। छोटी को तो मैंने पिक उतार दिया है, मैं जा रहा हूँ सामान लेके आऊंगा, पानी की बोतल शटलें भरनी है, तो आज वो काम करते हैं। अब तक ये बारिश चल रही है, सामने का व्यू भी देखें कितना अच्छा हो गया है और अब दरख्त ने ये सूखना शुरू हो गए। एक छोटा सा कीड़ा होता है जो आवाज़ें निकालता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा किर 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 होती है, वो अब जो है ना सर्दियों में वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, सिर्फ गर्मियों में आते हैं। तो ये है हमारा व्यू आज का। चलें, मुझे अभी जाके डब्बे लेके घर का पानी भर के आना है। घर पे आए हैं, ये हमारे चावल तैयार हैं, ये चटनी, इसको रायता वैसे बोलते हैं, और ये है, आप कहते हो ना वज़न कम नहीं हो रहा, तो रीज़न ये है। और बस अभी खाएंगे और फिर जाएंगे बाहर। आज है बहुत तेज़ बारिश का दिन और इसलिए वार्निंग इशू हो गई है कि अपना ख्याल रखें, बाहर गैर ज़रूरी मत जाएं। और मैंने कल के व्लॉग में बताया था, ऐसे ही इमरजेंसी में रख लिया था कि भाई मैं क्यों व्लॉग नहीं बना रहा, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरा ऊपर से ये वार्निंग आ गई थी। तो इस वक्त भी तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, तो मौसम की खबर तो ये है। और अब मैं जा रहा हूँ पानी भरने, क्योंकि हम पानी सस्ता ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका में आपको पता है कि एक एक सेंट का अब हमें एहसास होता है। पहले हमें लगता था कि ये जो $50 हैं ये 50 रुपये ही हैं, लेकिन अब पता चलता है कि ये जो $50 हैं ना ये 15,000-16,000 बनते हैं और जो $100 है वो 30,000 बनता है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये वैल्यू रखता है $50। और इस तरह से जो इंडियन है उनके लिए वो करेंसी उनकी बहुत मजबूत है, तो उनके लिए भी वो वैल्यू रखता है, लेकिन उनको हमारे से ज़्यादा
फिक्र नहीं है, हमारे बहुत ज़्यादा पैसे कम हो चुके हैं। अगर मेरे अकाउंट में समझें कि 10 लाख रुपए हैं तो वो अब मेरे सिर्फ $3,000 बने, जबकि इंडियन के पास अगर वो 10,000 हैं तो समझें उनके पास $10,000 हैं, 10,000 से भी ऊपर ही। तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो चुका है, और इस बेड़े गर्क होने के बाद ज़ाहिर है यहाँ जितने भी लोग हैं वो अपनी बचत करते हैं, तो हम भी उसी बचत प्रोग्राम के तहत अब पानी खरीदते हैं। पहले हम जो है ना मिनरल वाटर्स की बॉटल्स के पैक खरीदते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि एक तो कचरा ज़्यादा होता था और दूसरा हम उनको फेंकते रहते थे तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जो है हम उसी जगह पे जो $5 खर्च करते थे वहाँ हम अब $2.50 में 5 गैलन पानी भर के आते हैं। अच्छा, एक बात रह गई, ये आज हमने चावल बनाए हैं तो वो आगे एक हमारे दोस्त हैं उनके घर पे देने हैं, तो वो दे के आता हूँ और उसके बाद फिर जाएंगे पानी भरने। ठीक, तो भाई अभी ये मैं गैस डलवाऊँगा। ओहो, गाड़ी गलत खड़ी कर दी, तो अभी मुझे गाड़ी को आगे करना है। और यहाँ आप देख रहे हो कोई बारिश चल रही है, लोग आ जा रहे हैं, कोई पुरसकून माहौल है। अब ये कांटा स्टार्ट हो गया और मुझे जितने का डलना पड़ेगा तो मैं डाल दूंगा, मेरे पैसे उतने यहाँ से कट जाएंगे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ हम अपना जो गैस डालने वाले बेचारे पेट्रोल पंप पे लोग हैं, हम उनको कितने हकारत से देखते हैं, कितना उनको हम छोटा समझते हैं, लेकिन यहाँ स्टोर के अंदर जो काम करता है ना उसके साथ भी मालिक उसी तरह से बात करता है जिस तरह से किसी जो है ना एक बराबरी वाली बात होती है ना कि हाँ अगर निकालना है तो निकाल सकता है, कोई उसे नहीं पूछेगा। लेकिन वो तू तड़ाक करके बात नहीं करेगा, वो करेगा भाई काम सही नहीं हो रहा, प्लीज़ यार देखा करें, इस तरह की चीज़ होती है। मतलब बड़ा ही रिक्वेस्ट के साथ आप किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं करते, हाँ निकाल दो भाई कोई मसला नहीं है। यहाँ कोई पूछता नहीं है कि भाई तूने निकाला, क्योंकि एक ओनर को बहुत बड़े राइट है, अमीर हो गरीब हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवे, अब मैं यहाँ से इसको पहले बंद करता हूँ। और तो मेरे भाई, इस मुल्क के लिए हमारे जो जहनों में बातें ना वो बहुत क्या क्या मैं बताऊं, नेगेटिविटीज़ ये वो, लेकिन इस मुल्क के अंदर आप आते हो तो आपको तकरीबन कोई कह रहे हैं 20 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, इस तरह से इंडियंस की बड़ी तादाद है, बांग्लादेश के लोग हैं, तो हमारे को समझने की ज़रूरत है। वहाँ कुत्ता भोंक रहा है गाड़ी से, बारिश का मज़ा ले रहा है कुत्ता भोंक भोंक के। पाकिस्तान में भी सीट बेल्ट बांधता था, सच्ची बात बताऊँ मैं बड़ा एहतियात करता था, कभी सिग्नल नहीं तोड़ा, कोशिश की है कभी नहीं, सिवाय कोई इमरजेंसी हुई हो तो। अब मैं आ गया हूँ पानी भरने, तो पानी भर लेते हैं। मैंने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी डलवा दिया और $33 का आ गया। अब $33 को करो भाई कितने बनते हैं, 9,240 में मेरा टैंक फिल हुआ है। ठीक है, अब चलें बाहर। आप सोचते हो भाई काम नहीं करना पड़ता, काम करना पड़ता है, अपने घर का करना पड़ता है, अपने अना को आपको यहाँ ख़त्म करना पड़ता है, तब आप थोड़े सक्सेसफुल हो सकते हो। और इसमें कोई बुराई नहीं है ना, काम करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। यहाँ अगर मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी हो ना, कि घर की ज़िम्मेदारी, तो वो पानी की मशीन बंद है, जिस मशीन से हम पानी निकालते हैं यहाँ, तो वो थोड़ा पानी बहुत ज़बरदस्त होता है और अंदर जो है ना उसमें बदबू आ जाती है कभी कभी, तो इसलिए मैं अभी बॉटल्स ख़रीदूँगा, $2 ऊपर ही जाएंगे, लेकिन खैर है। और इससे क्या है कि पानी की क्वालिटी तो बेहतर होगी। तो आज ये भाई बंद है ना, फिर भी अगेन एक दफ़ा फिर चेक करता हूँ कि यार वाकई है या मैं गलत हूँ, नहीं है। चले मैं अभी अंदर से पानी भर के आता हूँ, पानी के वो लेता हूँ ना पूरे पैक, तो फिर करते हैं यहाँ आके बातचीत। देखें पानी मैंने ये ले लिया, यही हम जब कास्को से लेते हैं तो हमें वहाँ से पड़ता है $4 में तकरीबन, और यहाँ $6 में, तो $2 का फ़र्क है। तो $1 हमारा तकरीबन 300 ही हो गया है, समझे 300 का सीधा सीधा हिसाब लगाते हैं तो 600 रुपये मुझे इजाफी देने पड़े हैं। तो एनीवे कोई बस बात नहीं है, यहाँ तो होता रहता है। मैं क्या करता हूँ, बग़ैर इजाज़त के किसी से किसी की वीडियो नहीं बनाता ना। तो अभी एक इंडियन फैमिली थी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट की, कह रहा है हम आपकी शिकागो से वीडियोस देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, आप जब यहाँ हमें घुमाते हैं तो हम मूव हो गए शिकागो से विद फैमिली है, बहुत जो है ना हैदराबाद दक्खन ही कहेंगे, तो हैदराबाद दक्खन के हैं। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं अभी उनको दिखा नहीं सकता, परमिशन मैं हमेशा लेता हूँ, और इसलिए उनका बहुत शुक्रिया कि भाई इस तरह से प्यार देते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये वैसे चीज़ें बहुत छोटी हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये रेड लाइन देख रहे हो ना, इस पर लिखा हुआ है फायर लाइन,
मगर कोई इमरजेंसी के लिए यहाँ गाड़ियाँ आके रुकेंगी। तो इस पर गाड़ी आप देख रहे हो, कोई भी गाड़ी जाके देखोगे, कोई बड़ी हो तो अलग बात है, वो इस पर आपको नज़र नहीं आएगी। मैंने भी दूर खड़ी की है, इन तमाम लोगों ने इसके अंदर ही खड़ी की है। और सामने बस आ गई है स्कूल की, अब ये बस यहाँ बच्चों को उतारेगी और जब उसके साइन यहाँ खुल जाएंगे ना स्टॉप के, तो भाई फिर बड़ा मज़ा आता है, कोई इधर उधर नहीं हिलता। और बच्चों की सेफ्टी जो है ना यहाँ फर्स्ट एक इनकी प्रायोरिटी होती है। पानी की बॉटल्स वगैरह लेके आ गया हूँ और अब अपनी बालकनी में बैठे हैं और ये इनकी हरकतें फिर शुरू हो गई हैं, छतरी लेके आ गई हैं। क्या, क्यों छतरी लगा के बैठी हैं भाई? ये इनको आज लेने गए थे हम। भाई बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश। बस आप दुआ में याद रखें, सपोर्ट करें, थैंक यू। यहाँ मैं अभी वॉक कर रहा था तो नौजवान मिल गए, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, बोला भाई ज़बरदस्त आप वीडियोस बनाते हैं, तो थैंक यू सो मच। वहाँ इंडियन फैमिली थी, जो हमारी बहन आई हुई थी, उन्होंने भी यही कहा, तो सबका शुक्रिया यार। ये आप जब मोटिवेट करते हैं ना मुझे, बोलते हैं कुछ, तारीफ़ नहीं करनी चाहिए लेकिन जो आप सजेशन देते हैं तो उससे अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ ना एक डिजिटल समझेंगे, एक दुनिया है ना बहुत तरक्की कर रही है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे अमेरिका में रहने के लिए कोई 10 पॉइंट्स बताओ, अच्छे और ख़राब ना, प्रोज और कॉन्स बता दें। तो उन्होंने मुझे 10 पॉइंटें बताई हैं। जो फ़ायदे हैं ना वो ये हैं कि यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेहतरीन तालीम है और कल्चर डाइवर्सिटी है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, ठीक है, इसके साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो 5वें नंबर पर आती है, और नेचुरल ब्यूटी एंड लैंडस्केप्स हैं, मतलब ज़मीन, यहाँ की खूबसूरत सरजमीन, और वो हैं इसके साथ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर, और उसके साथ जो 10 है, और यहाँ है वेरिड क्लाइमेट जोन है, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्लाइमेट्स। अब जो यहाँ के नुकसान है ना वो आपको बताता हूँ। यहाँ जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हेल्थ केयर कॉस्ट है, बहुत महंगा है हेल्थ केयर, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इनकम इनइक्वलिटी है, जो इनकम बराबर नहीं है, गन वायलेंस है, रेसिजल टेंशन है, एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन है जो 12वीं के बाद, इन्वायरमेंट कंसर्न्स हैं, ठीक है, इमिग्रेशन चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम है, और कंज्यूमरिज्म एक कल्चर है। अब ये सारी चीज़ें आपने देखी कि किस तरह से फ़ायदे और नुकसान जो 10 हैं। आप दोस्त पूछते हो कि यार अभी ट्रेवल नहीं हो रहा और बहुत सारे मज़े के ब्लॉग नहीं आ रहे, बिल्कुल ये जायज़ आपकी शिकायत है, इस शिकायत का अजाला होगा, इंसाफ होगा आप सब दोस्तों के साथ, लेकिन उसकी रीज़न है, रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ चल रहा हूँ, मंडे टू थर्सडे ये 4 दिन मेरे बहुत मुश्किल हो रहे होते हैं, मुझे फैमिली को टाइम देना पड़ता है, और ये दिसंबर में हो जाएगा ये मामला पूरा, तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट मंथ होगा तो उसमें मैं फिर प्लानिंग चेंज करूंगा, फिर 2 दिन मुझे मसरूफ़ रहना पड़ेगा, बाकी मैं दिन ट्रेवल कर सकूंगा। एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा ये कि सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में ट्रेवल करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है हर किसी को, तो मुझे भी होगी, लेकिन उसके बावजूद हम प्लान कर रहे हैं कि मैं वाशिंगटन DC, वर्जीनिया, मेरीलैंड और इधर जो है ना एक लंबा ट्रिप करूँ, मतलब 5-6-7 दिन का, जिसमें कम्युनिटी और बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होंगी, उसमें देखेंगे। अगर अभी प्लान चल रहा है और उसके लिए बहुत अभी मैं फाइनल नहीं है, दूसरे अपने मामला आते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी है, मतलब परेशानी इस सेंस में कि ट्रेवल नहीं हो रहा, तो सपोर्ट चाहिए। सेकंड, अभी मैं जा रहा हूँ जिम, फिटनेस पे भी ध्यान देना लाजमी है, तो अभी जिम जा रहा हूँ, जिम करके आता हूँ, और बारिश भी चल रही है, मज़ा भी आ रहा है, तो बाकी बातें बाद में करते हैं। आज मेरी हालत देखो, पसीना पसीना हो गया, बहुत मज़ा आया, और आज मैंने दौड़ भी लगाई थोड़ी, लेकिन वही है ना घुटने में दर्द हो जाता है जो गिरा था, तो बहुत मज़ा आ रहा है, अंधेरा हो चुका है, भूख भी ज़ोरों की लगी है, लेकिन जाके थोड़ा थोड़ा कुछ खाना है, और छोटी भी आ रही है, तो चलें भाई। वो जिम करके वापस आ गए और अब जो है घर का टाइम है, और दुआ में याद रखा करें, वीडियोज़ अगर आपको पसंद आएँ तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ऐसा नहीं है यार दूसरों की सिर्फ स्टोरीज देखें, आप हमारी स्टोरीज भी देखें, हमारे ब्लॉग डेली ब्लॉग देखा करें, इसके साथ ट्रेवल ब्लॉग भी होंगे, तो इस तरह से भाई रहेगा, चाहे
मतलब कहते हैं गैप आ जाता है, तबीयत कभी सही नहीं होती, कभी क्या होता है, तो गैप आता है, तो इसको इग्नोर किया करें, सपोर्ट अपनी जारी रखें। थैंक यू सो मच, अब रात का टाइम है, गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब करके फिर चले जाएं, ठीक है।